न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला की अनाज मंडियों में इन दिनों बाजरा की आवक जोरों पर है। इसी को देखते हुए जिला उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने आज प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रेवाड़ी की नई अनाज मंडी पहुंच बाजरा खरीद का निरीक्षण किया तथा आढ़तियों से बातचीत की। इस दौरान व्यापारियों ने उन्हें बताया कि मंडी में बाजरा की खरीद सुचारू रूप से हो रही है, मगर उन्हें ट्रांसपोर्ट और लिफ्टिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उपायुक्त यशेंद्र सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट और लिफ्टिंग की समस्या अभी उनके संज्ञान में आई है। उन्होंने हैफेड के अधिकारियों को बुलाया है तथा इस मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है, जिसे जल्द ही शॉर्ट आउट करा दिया जाएगा और जांच के बाद अगर ट्रांसपोर्टर दोषी मिलता है तो उसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। जैसे मंडी के इंस्पेक्शन के लिए हम लोग आए थे और उसमें अभी आड़ती साथियों ने हमें बताया कि ट्रांसपोर्ट का इशू है, उसको अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। इनके डीएम को बुलाया है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ट्रांसपोर्टर के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। जिस तरह से बता रहे हैं कि 5 से 7 रुपए ऊपर ले रहे हैं, बार्गेनिंग चल रही है यहाँ पे, जबकि ट्रांसपोर्टर को पैसा सरकार देती है, यहाँ व्यापारी दे रहे हैं। ये बात भी एक दो लोगों ने पॉइंट आउट की है, तो इसके लिए हमारे एसडीएम रेवाड़ी इसकी जांच करेंगे और जो भी दोषी मिला अगर ट्रांसपोर्टर तो हम एक्शन लेंगे उसके खिलाफ, चाहे वो क्रिमिनल एक्शन हो या कोई पेनल्टी का प्रोविजन होगा, उसके अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।